नमस्कार, स्वागत है आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पे। हिंदी की सीखने सिखाने की इस कड़ी में आज हम व्यंजन संधि कर रहे हैं, और व्यंजन संधि का कल मैंने कुछ बताया था आपको, और उसी के आगे आज हम देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। आज का जो हमारा नियम होगा कि म के बाद अंतस्थ, म के बाद अंतस्थ ध्वनियाँ, कौन सी ध्वनियाँ? अंतस्थ ध्वनियाँ या ऊष्मीय ध्वनियाँ आ जाए। म के बाद यदि अंतस्थ ध्वनियाँ आ जाए या ऊष्मीय ध्वनियाँ आ जाए, तो ये जो म है ये हमारा अनुस्वार में चला जाएगा। ये म किस में चला जाएगा? अनुस्वार में चला जाएगा। अब यहाँ मैं पंचम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग भी सोचें कि उसमें ध्वनियों और अंतस्थ ध्वनियों का कोई पंचम नहीं होता। पहले हमने देखा था स्पर्श ध्वनियाँ, तो स्पर्श ध्वनियों का तो पंचम होता है, लेकिन इनका पंचम नहीं होता। तो म सिर्फ अनुस्वार में जाएगा और अनुस्वार में ही जाएगा। चलो उदाहरण देखते हैं। समधन वाद, समधन वाद है, और समधन वाद से जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा क्या? संवाद। और संवाद इसी प्रकार बन सकता है, इसके अलावा संवाद के बनने की कोई संभावना नहीं है। ना तो हम इसके बीच में न लगाते ना कुछ और। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि व का कोई पंचम नहीं होता, और यहाँ म जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में जाएगा। और इसी प्रकार अब आप लोग शब्दों को बनाएं। समधन यम, समधन यत, समधन वहन और समधन सार, समधन स्मृति। ये शब्द आपके सामने हैं, आप लोग इन शब्दों का निर्माण करें। कुछ शब्द मैं लिख रहा हूँ, इनका संधि विच्छेद भी आप करें। संलग्न है, संलिप्त है, संसर्ग है, चलो देखते हैं क्या क्या जुड़ेगा। संयम और संयत। मैं जानता हूं संयम का अर्थ आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन संयत जो है, ये संयत की जगह एक शब्द जो है वो अशुद्ध रूप में प्रचलन में है, और वो शब्द है हमारा संयमित। ये जो संयत शब्द हैं, यानी कि संयम में रहने वाले को संयत बोलते हैं। संयम का मतलब जो नियम कानून कायदे में रहे, नियमों के विरुद्ध जो कार्य ना करे, उसको संयम या संयत बोलते हैं। तो संयत वो जो संयम में रहे, और ये संयत की जगह जो गलत शब्द हम प्रयोग में लेते हैं वो होता है हमारा संयमित। तो आप लोग ध्यान रखें, संयमित शब्द सही नहीं है, उसकी जगह शब्द क्या आएगा? हमारा संयत आएगा, और इससे शब्द क्या बनेगा? हमारा संवहन। क्या शब्द बनेगा? संवहन। इसके बाद जो अगला शब्द है वो है क्या? संसार। और इसके बाद अगला शब्द हमारा क्या है? संस्कृति। और संस्कृति भी ही संसार को कहते हैं। संलग्न का आप लोगों ने कर लिया होगा अलग, समधन लग्न, और ये क्या होगा? समधन लिप्त, किसी भी काम में पाया जाना, और ये होगा हमारा समधन सर्ग। इन उदाहरणों के माध्यम से आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या बात समझ में आई होगी? कि म और म के बाद अंतस्थ ध्वनियाँ हो या उसमें ये ध्वनियाँ हो, तो ये जो हमारा म है ये किस में चला जाता है? केवल, केवल और केवल अनुस्वार में जाएगा। केवल किस में जाएगा? सब जगह अनुस्वार में जाएगा, ना कि किसी पंचम में, क्योंकि इनका कोई पंचम नहीं होता। ये है अगला नियम, और इसके बाद देखिए आप अगला नियम, देखते हैं अगला नियम।
यदि री हो और री के आसपास द हो, री के आसपास क्या हो, द हो, और इसके बाद यदि म हो, समझो री हो, री के आसपास कहीं द हो और द के बाद यदि म आ रहा हो, तो ये जो द है हमारा ये ण में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ये ण में परिवर्तित हो जाता है। चलो देखें उदाहरण, चुनिंदा उदाहरण है इसके, मृदधन मूर्ति, मृदधन मूर्ति, और मृद मूर्ति से जो उदाहरण बनेगा वो शब्द बनेगा वो आपको पता है क्या बनेगा, मृदधन मय और मृदधन मई। तीन उदाहरण इसके हैं और तीनों ही किस प्रकार से संधि होगी देखो, मृण मूर्ति क्या बनेगा, मृण मूर्ति, अगला क्या होगा, मृणमय, और अगला क्या होगा, मृणमयी, मतलब क्या होगा, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी में मिला हुआ मिट्टी का, ये इनका अर्थ होगा। और इसके बाद जो हमारा नियम है अगला, वो अगला नियम है चलो, यदि परी हो और परी के बाद क्या हो, क, परी हो और परी के बाद क हो, तो कहते हैं बीच में स मूर्धा का आगमन हो जाता है। ये जो षटकोण वाला है इसको स मूर्धा भी कहते हैं और इसका आगमन हो जाता है। उदाहरण देखें, परिधन कार क्या बनेगा, आप सब जानते हैं, और परिधन करण, और क्या होगा, परिधन कृत, और क्या होगा, परिधन कर्ता। देखो शब्द क्या क्या बनेंगे, परिधनकार से शब्द बनेगा हमारा क्या, परिष्कार, परिधनकरण से क्या बनेगा, परिष्करण, किसको कहते हैं, शोधन को कहते हैं, और परिधनकृत क्या होगा, परिष्कृत, यानी कि जिसका शोधन हो गया हो, परिष्कृत, साफ करने को कहते हैं। चलो परिष्कार करने वाला परिष्कर्ता क्या होगा, परिष्कर्ता, ये हमारा अगला नियम था। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन संधि के और नियम, उससे पहले आप इन सभी वीडियो को देखें, अच्छे लगे तो लाइक।